चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरु जी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? भगवान शंकर को चढ़ाए ना चढ़ाए, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाए ना चढ़ाए, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाए ना चढ़ाए, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर है, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया, भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता, बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है,
वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है, और आप वहाँ से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहाँ पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया या वहाँ सफाई कर दी या वहाँ भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी सरोवर तालाब कुंड के पास का शिवलिंग। नदी तालाब कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है वो बलवान होता है। अब शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहां थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो हजार लाख गुना तो मिला है। महाभारत की एक कथा है, इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे किसी और वाले गुरुजी कौन से पुराण में से बोल रहे हैं तो आप किसी ने पूछे तो बता देना नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रहे थे। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा